और इधर पश्चिम एशिया के देश लेबनान से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां बेकावेरी इलाके की एक मस्जिद में एक सिर फिरे ने गोलीबारी कर दी, जिससे एक आदमी की मौत हो गई। आरोप यह है कि फायरिंग करने वाले ने वहां रहने वाले सीरिया के लोगों को ही निशाना बना दिया। और लेबनान की बेका वैली में मौजूद उस मस्जिद में घुसकर अंधाधुंध गोलियां बरसाई, जिससे एक आदमी की मौत हो गई और करीब 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आरोप है कि फायरिंग करने वाले शख्स ने सीरियाई मुल्क के लोगों को निशाना बनाया। उस इलाके में करीब 1,00,000 से ज्यादा सीरिया के लोग रहते हैं। वहाँ पिछले करीब 12 सालों से उन्हें निशाने पर लिए जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं। बताया गया कि बेका वैली में मौजूद उस मस्जिद में फायरिंग के समय कई लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच गई। हालांकि लेबनान के सुरक्षा बल के जवानों ने हमलावर को मार गिराया। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी महिला पर बंदूक ताने दिखा, जिसे पुलिस वालों ने उससे बचाया। बताया गया कि हमला करने वाला आदमी उस महिला का दोस्त था और यह पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें एक आदमी सड़क पर दिन दहाड़े उस महिला पर बंदूक ताने दिखा। बताया गया कि वो महिला को पहले से जानता था। वीडियो में दिखा कि महिला जान बचाने के लिए भागने लगी और वो आदमी भी उसके पीछे भागने लगा। तभी वहां से गुजर रहे पुलिस वालों ने महिला के चिल्लाने और गोलियां चलने की आवाज सुनी और अपनी गाड़ी रोक दी, जिसके बाद वो फौरन एक्शन में आए और उन्होंने उस आदमी पर गोली चला दी, जिससे वो घायल होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और महिला की जान बच गई। मामला अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स का बताया गया। उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें वहां के एयरपोर्ट पर एक महिला जमकर हंगामा करती दिखी। बताया गया कि महिला के फ्लाइट की टिकट बुक करने में कुछ समस्या आ गई थी, जिसके बाद वो महिला भड़क गई और उसने वहां के एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। वीडियो में महिला गुस्से में आग बबूला दिखी और उसने वहां रखे कई कंप्यूटर के मॉनिटर जमीन पर पटक दी। बताया गया कि एयरपोर्ट पर महिला की टिकट बुक नहीं हो सकी, क्योंकि महिला की तरफ से दिए गए क्रेडिट कार्ड नहीं चले और टिकट के लिए भुगतान नहीं हो पाया। और ये बात जब महिला को बताई गई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, जिसके बाद उसने गुस्से में एयरपोर्ट पर जमकर तोड़फोड़ की। और इस बीच अफ्रीकी देश केन्या में बढ़ते टैक्स के बोझ के बाद प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। वहां राजधानी नैरोबी में सरकार के खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरी भीड़ का सामना जब पुलिस वालों से हुआ तो वहां के हालात और ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि एक तरफ पुलिस और सुरक्षा बल के जवान थे तो दूसरी तरफ हजारों की तादाद में नारेबाजी करते लोग। भीड़ की अगुवाई करने वाले विपक्षी पार्टी के नेताओं ने केन्या की सरकार की मुखिया को तानाशाह बताया। वबुंगे वमेकुंडे कुले का बुंगे ना वमेसलिटी होना इंची। इस बीच प्रदर्शन करने वाली भीड़ उग्र हो गई, जिस पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। आरोप है कि वहां सरकार ने टैक्स में इतना इजाफा कर दिया कि लोगों के लिए दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना तक मुश्किल हो गया। यही वजह थी कि जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी, जहां उनकी पुलिस से। उधर अजीत पवार गुट ने शरद पवार पर हमला बोला और खुद को असली एनसीपी बताया।